इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्लू चिप शेयर क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग्स में हमारे सामने आता ही है। तो एक ऐसी कंपनी जो रेपुटेटेड है, काफी लंबे समय से प्रॉफिट कमा रही है, लगातार उसको प्रॉफिट होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, टफ सिचुएशंस में भी प्रॉफिट कमाती है, टफ सिचुएशंस में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है, तो वो रेपुटेटेड कंपनी हम उसको कह सकते हैं। तो रेपुटेटेड कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लू चिप शेयर। तो ब्लू चिप स्टॉक्स आर शेयर्स ऑफ वेरी लार्ज एंड द वेरी रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, उन्हीं के शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लू चिप शेयर बोलते हैं। इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन कंपनीज की काफी लंबे समय से अच्छी बनी रही है, काफी लंबे समय से प्रॉफिट कमा रही है, टफ सिचुएशंस में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है, तो डेफिनेटली इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, रेपुटेशन भी काफी अच्छी है। तो ब्लू चिप के जो स्टॉक्स होते हैं इनकी कॉस्ट हाई होती है क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कोई भी खरीदने के लिए रेडी रहता है, मतलब इस प्रकार के शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा रहेगी तो डेफिनेटली प्राइस भी इनका ज्यादा ही रहता होगा। तो ये ब्लू चिप शेयर अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज को लीड करती हैं, मतलब ये शेयर्स लीडर बन जाते हैं और बाकी के शेयर्स या बाकी कंपनीज इन कंपनीज को या इन शेयर्स को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप की कंपनीज की सबसे खास बात क्या है, टफ सिचुएशंस में भी काफी अच्छा डिविडेंड पे करने की हिम्मत रखती हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।